हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को लेके मैं इसको इम्पॉटेंट से ज़्यादा सीरियस बोलूँगा इस अपडेट को और हर क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स खासकर जो ट्रेडर हैं उनके लिए अगर ऐसा हो गया ना तो भैया क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक तरह से खत्म ही हो जाएगी इंडिया के अंदर हमें ऐसा लगता है तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा हमने अपने सी से भी बात करी थी और उनसे भी डिस्कस करने की कोशिश की थी और उनका क्या ओपिनियन है वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों हम सबको पता है पार्लियामेंट सेशन यहाँ पे चल रहा है और ये पार्लियामेंट सेशन का सेकंड पार्ट है जो बजट सेशन का होता है उसके अंदर जो है कई बार स्टार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार्ड मतलब जिसका जो है जिस मिनिस्ट्री से वो पूछा जाता है तो उसका जवाब उनको वहां देना पड़ता है फ्लोर के ऊपर लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिनके लिए लोकसभा राज्यसभा में जरूरी नहीं है जो उनका आंसर देना वो जो है लिखित तौर पर भी दिए जा सकते हैं और यहां पर इक्कीस मार्च दो हजार में आज की बात कर रहा हूं जो कार्ती पी चिदम्बरम है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आप

आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया यानी कि ना ये रेगुलेटेड है ना ये जो है अनरेगुलेटेड है यानी कि चल रहा है बस काम चल रहा है जब रेगुलेट कहो तब की तब देखेंगे और जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए तो आप समझ लीजिए अगर ऐसा हुआ तो क्रिप्टोकरेंसी माइनर जो है इंडिया के अंदर उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल है वह जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया ये बताइए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है जो क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के अंदर लगती है उसको जो ट्रीट यानी क्रिप्टोकरेंसी को बनाने के लिए क्या वो डिडक्शन उसकी कर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर उनका कहना है कि भैया फाइनेंस बिल जो है 2022 का जो कि परपोज है टू इंसर्ट सेक्शन वन वन टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके अंदर भैया 30 परसेंट टैक्स आपको फ्लैट देना पड़ेगा जो भी आप जनरेट कर रहे हो और कोई भी डिडक्शन नहीं होगी एक्सपेंडिचर की अब हम सबको पता है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए बिजली लगती है एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेटअप करते हो आपकी मशीन की कॉस्ट लगती है ह्यूमन मैन पावर लगती है आपको एक पूरा का पूरा सेटअप डालना पड़ता है हो सकता है कोई रेंट पे ले रहा हो तो भैया कुछ भी आप उसके अंदर एडजस्ट नहीं कर पाओगे और तीस फ्लैक्स टैक्स आपको देना पड़ेगा अमूमन मैं बात करता हूँ अगर बिटकॉइन की कोई माइनिंग करता है ना और उसके अंदर बिजली का खर्चा वर्चा सब सब एडजस्टमेंट करके उसको 20-15 परसेंट ही बचता है अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगी तो भैया वो तो माइनिंग ही नहीं कर पाएगा बल्कि नुकसान में रहेगा तो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग तो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता अगर इसके अंदर एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर क्रिप्टो यूज़र से वो जुड़ा हुआ है इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल आप समझिएगा स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड करते होंगे समझते होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करते हो आपने कोई रिलायंस का शेयर खरीदा उसके अंदर प्रॉफिट हुआ और दूसरा कोई शेयर लिया मान लो टाटा बाटा कुछ भी ले लो आप किसी का भी शेयर लिया आपने और उसके अंदर आपको लॉस हुआ तो ऐसा नहीं होता कि भैया आपने रिलायंस के शेयर के ऊपर जो है टैक्स दिया प्रॉफिट होने पे और उसको जो है लॉस हुआ तो उसको एडजस्टमेंट नहीं किया फ़ाइनली जाके आप फाइनल में जब जो फाइनेंशियल ख़त्म होता है उसके बाद जब हिसाब किताब होता है तो ट्रेडिंग के अंदर आपका कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ अगर प्रॉफिट हुआ तो आप टैक्स दे पाते हो लॉस हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है यही होता है लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी के मैटर के अंदर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जो वर्चुअल डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या वो सेटअप हो सकता है यानी कि अगर आपको लॉस होता है होल्ड करने पर ट्रेड करने पर तो दूसरी इनकम में एडजस्ट हो सकता है पहला सवाल और दूसरा अगर हो सकता है तो जो जो सेल ऑफ वन वर्चुअल डिजिटल एसेट है यानी कि अगर आपने बिटकॉइन ख़रीदा हुआ है उसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ इथीरियम आपने लिया या कोई और एक्स जेड कॉइन लिया डॉज हुआ शीबा हुआ उसके अंदर आपको लॉस हुआ तो क्या भैया उन दोनों के अंदर भी एडजस्टमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है इस मैटर के अंदर पेच फंस सकता है अब यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिएगा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी मुश्किल नामुमकिन के बराबर हो जाएगी इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कॉइन के अंदर आप ट्रेड कर पाओगे अब यहाँ पे जो पंकज चौधरी जी हैं उनका कहना है एज पर द प्रोविजन ऑफ द प्रपोज सेक्शन वन वन फाइव बी बी एच द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये है, ये है फाइनल नहीं हुआ है डिस्कशन होगी और उसके बाद में ये फाइनल होगा उसके हिसाब से देखते हैं लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट विल नॉट बी अलाउड टू तो सेट सेटअप अगेंस्ट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट आप समझे मैं समझा देता हूं क्या बिटकॉइन के अंदर अगर आपको प्रॉफिट होता है या कोई इथीरियम के अंदर इनू के अंदर डॉट के अंदर नुकसान होता है तो यहां पर आपसे बिटकॉइन पे तो 30 परसेंट टैक्स ले लिया जाएगा लेकिन आपका अगर किसी इथीरियम या किसी और कॉइन के अंदर लॉस होता है ना वो एडजस्ट सेट ऑफ होगा और ना वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा भैया इससे बुरा हो सकता है मतलब क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर के लिए इससे बुरा कुछ हो सकता है कि मतलब आपको सिर्फ़ बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है प्रॉफिट लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपने दूसरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड किया उसके अंदर अगर लॉस हुआ तो वो आप दूसरे कॉइन्स के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाओगे और उस लॉस को सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे एक साल के बाद में और अगर प्रॉफिट हुआ तो उस पर तीस टैक्स देना पड़ेगा इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं आपके पास में एक लाख रुपये है एक लाख रुपये में से रुपए आपने बिटकॉइन में ट्रेडिंग किया और पचास हजार रुपए इथीरियम के अंदर ट्रेडिंग किया पचास रुपए जो बिटकॉइन में ट्रेड किया उस पर आपको एग्जांपल लेते हैं दस रुपए का प्रॉफिट हुआ 10,000 के प्रॉफिट पे आपका 30 परसेंट का जो टैक्स बनता है यानी कि तीन आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ठीक है अब यहां पर इथीरियम का केस लेते हैं उसके अंदर आपने बहुत मेहनत करी लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बना पाए और दस हज़ार लॉस के अंदर आप आ गए उस दस हज़ार के लॉस के ऊपर आपको कोई भी बिटकॉइन के साथ में असूलन तो क्या होना चाहिए आपका बिटकॉइन के अंदर दस हज़ार प्रॉफिट हुआ इथीरियम में दस हज़ार लॉस हुआ आपकी एक्चुअल कैपिटल तो एक लाख ही रुपए रही ना आपको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ लेकिन ये दस हज़ार रुपये जो है जो लॉस हुआ है वो बिटकॉइन के प्रॉफ़िट के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते अगर इस कैलकुलेशन को लेते हैं तो तीन हज़ार रुपये जो आपने टैक्स दिया तो वो आपका नुकसान हुआ यानी कि आपको असूलन एक लाख रुपये रहने के बाद में भी तीन हज़ार रुपये टैक्स में नुकसान ही हुआ अगर इस कैलकुलेशन को यहाँ लेते हैं आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा क्योंकि हमने अपने सीए से भी डिस्कशन की थी उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो भैया इससे हार्ड या इससे कुछ और नहीं हो सकता है हार्ड तो उनका ये भी कहना है और हमारा भी ये ओपिनियन है अभी ये बिल प्रपोज्ड है अब इसके ऊपर डिस्कशन होगी और क्या बाद में निकल के आता है तब जाके फाइनल होगा तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए और और कोई भी अपडेट आएगी इससे रिलेटेड हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाने की और हम और जो है डिस्कशन करेंगे सी ए कंसल्ट करेंगे या और एक्सचेंजेस से भी कंसल्ट करेंगे और उनका क्या ओपिनियन है वो भी आने वाले टाइम में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो मुझे तो लगता है कि ऐसी वीडियो अमूमन पसंद आती हैं क्योंकि यहां पर यह बात तो हमें खुद अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उम्मीद क्या करूं आपसे कि आपको क्या फील हो रहा होगा मैं समझ सकता हूं लेकिन शेयर जरूर करिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि क्या क्या अपडेट आ रही है यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यह ध्यान रखिएगा यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यह जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिप्लाई दिया है लोकसभा के अंदर यह अनस्टार्ड क्वेश्चन का तो इसको हमें सीरियसली तो लेना पड़ेगा लेकिन क्या अपडेट आएगी क्या बिल फाइनल होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो होते हैं कि नहीं वो आने वाले टाइम में हमें देखना बहुत जरूरी है तो वही डिसाइड करेगा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का, का या क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया के अंदर तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी काम की लगी होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हम कोशिश करेंगे जो भी अपडेट हो वहां पे भी आपको देने की तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूं खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कमाते रहिए आपका दोस्त पंकज थैंक यू नमस्कार धन्यवाद